हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, अभी एलटी साइंस और एलटी मैथ्स के एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, जो एग्जाम आपके 21 अप्रैल यानी संडे के दिन होने वाला है। तो इस एग्जाम्स के लिए हम क्या क्या तैयारी करें और किस प्रकार से तैयारी करें, वो सब हम डिटेल में अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो आपके पास उन सबका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। यदि कोई प्रॉब्लम ऐसी लगी जो समझ में ना आई तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एलटी साइंस या गणित दोनों के लिए सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान और गणित दोनों का पाठ्यक्रम किस प्रकार से डिजाइन किया गया वो हम बताएंगे। उससे संबंधित एक वीडियो हमने अपने चैनल पर पहले से अपलोड की थी, जिसका टाइटल ही पाठ्यक्रम था कि सिलेबस क्या है इसका, वो हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो सहायक अध्यापक एलटी साइंस और गणित, इसके लिए 100 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का 100 क्वेश्चन आएंगे। अब वो जो 100 क्वेश्चन है, उन एक क्वेश्चन का एक नंबर रहेगा, यानी 100 नंबर का पेपर रहेगा हमारा ना। और कितने कितने नंबर का कौन सा पोर्शन आएगा वो हम बात करते हैं। 100 का क्वेश्चन है एलटी साइंस और गणित दोनों के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात आप ये भी समझ लेना कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आता है, वो हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, ये शिक्षण अभिरुचि 30 नंबर का आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे और ये कॉमन रहेगा आपके साइंस के लिए भी और मैथ्स के लिए भी, ये ध्यान रखना। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन कैरिंग 30 मार्क्स एंड मार्क्स 30 मार्क्स, इट इज कॉमन फॉर बोथ एलटी साइंस एंड मैथ्स। ओके, तो ये आप ध्यान रखें कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि, ये दोनों पोर्शन के लिए कॉमन रहेगा, इसकी आप तैयारी करना। बहुत ही आसान पोर्शन रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड, एक बार आप ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता चला जाता है और इसको आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो ये कॉमन रहेगा हमारे लिए, ध्यान रखना। देन टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ये एलटी साइंस के लिए, और एलटी मैथ्स के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ये कॉमन है ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट एलटी साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री आएगी 30 मार्क्स की, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा ये हमारा। और एलटी मैथ्स के लिए फिजिक्स आएगी यहाँ पर, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के आएंगे हमारे पास, ध्यान रखना। फिर एलटी साइंस के लिए बायोलॉजी, एलटी साइंस के लिए बायोलॉजी अहम रोल अदा करती है अपनी, इस बायोलॉजी में दो पोर्शन है आपके, बॉटनी एंड जियोलॉजी, बॉटनी के 20 क्वेश्चन आएंगे, जियोलॉजी के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 मार्क्स का। इस टाइप से एलटी साइंस का अगर टोटल करते हैं तो 100 मार्क्स हो जाते हैं हमारे पास, क्लियर। इसी प्रकार इधर हम बात करते हैं एलटी मैथ्स में, फिजिक्स 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और आपका जो मैथ्स का होगा 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, तो इसका भी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। अब आप यदि एलटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो आप ध्यान रखना मैथ्स का मेजर रोल रहेगा, मैथ्स को ठीक से आपको तैयार करना होगा, 40 क्वेश्चन बहुत रहते हैं। इसी प्रकार एलटी यदि साइंस की बात करो उसमें बायोलॉजी आएगी 40 नंबर की, ठीक है। तो आप इनको सिस्टमेटिक वे में तैयारी करोगे तो आप आसानी से पेपर को क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो कॉम्पिटिशन दिन पर दिन बहुत ही कठिन होता जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे तो आसानी से आप कवर अप कर सकते हैं, क्लियर। हम अपने इस चैनल पर केमिस्ट्री जो हमारे पोर्शन है एलटी साइंस के लिए, इसकी वीडियो बनाते रहते हैं और इसकी वीडियो ऑलमोस्ट हम कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे जितना भी हमारा एलटी साइंस में, जिसमें से आप ये 30 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और शिक्षण अभिरुचि की भी कुछ वीडियो हम अपलोड करेंगे, कोशिश करेंगे शिक्षण अभिरुचि की वीडियो भी। और यदि आपके कमेंट्स आए तो इधर से हम एलटी मैथ्स के जो बच्चे मैथ्स की तैयारी करते हैं, मैथ्स की भी हम कुछ वीडियो अपलोड करेंगे, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कमेंट्स कितने आते हैं हमारे पास। ओके, चलिए अभी के लिए हम बात करते हैं एलटी साइंस के लिए केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। ये हमने रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम पूरा लिख दिया और हम
जो वीडियो बनाते हैं ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी, हमारे जो हिंदी मीडियम से मैं तैयारी करते हैं उनके लिए भी और जो इंग्लिश मीडियम के लिए भी। ओके, तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस रहेगा उसमें ये टॉपिक्स हमने सारे नोट कर लिए। पहला टॉपिक रहेगा हमारा तत्व मिश्रण व यौगिक, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट रहेगा रासायनिक संयोग के नियम, केमिकल कॉम्बिनेशन लो। ठीक है, देन परमाणु संरचना स्ट्रक्चर और पैटर्न, रासायनिक बंध केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी, विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, हाइड्रोजन व उसके यौगिक हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, देन समूह फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवंथ ए एट्थ ए एंड जीरो ग्रुप, इनके जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके हम स्टडी करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक की स्टडी करेंगे और सामान्य कार्बनिक रसायन जी ओ सी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी बात करेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विद ऑक्सीजन एटम जिसमें इंक्लूडेड रहेगा उसकी बात करेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये टोटल हमारा सिलेबस है जो एलटी साइंस में आने वाला 30 क्वेश्चन के होते हैं, 30 क्वेश्चन बहुत रहते हैं, 30 क्वेश्चन आप ठीक से कर लेंगे तो आसानी से पेपर को अटेम्प्ट क्रैक किया जा सकता है। अब इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने पहले से आपको पढ़ा रखे, जो पहले से कवर्ड, आप उनको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले अगर हम बात करें परमाणु संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमने पहले से अपने चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर रखी, ये 9 वीडियो में कवर्ड है। कितने वीडियो? 9 वीडियो, 9 वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पूरा कवर्ड है। ओके, इसी प्रकार से अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्डिंग हमने पूरा ध्यान से एक एक टॉपिक्स कवर कर रखे, इवन एलटी साइंस के लिए ही नहीं, अगर आप लेक्चरर की तैयारी करेंगे इसके बाद, क्योंकि लेक्चरर का भी एग्जाम हो उसकी भी डेट आ गई, उसकी जो स्क्रीनिंग एग्जाम हो वो 21 मार्च में उसका एग्जाम होगा, उसके बाद ये क्लियर होता है तो आप सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो सब्जेक्ट में भी आप केमिस्ट्री आएगी तो केमिस्ट्री के लिए भी यूजफुल रहेगा वो। तो ये वीडियो बहुत डेप्थ तक हमने बना रखी, तो केमिकल बॉन्डिंग की 14 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड, क्लियर है। हम क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का, इसकी प्लेलिस्ट का जितने भी टॉपिक कवर्ड है सबके प्लेलिस्ट का लिंक अपलोड कर देंगे हम, और बाकी आप चैनल पर विजिट करोगे एलके केमिस्ट्री में सब कुछ ये टॉपिक्स वहाँ पर प्लेलिस्ट वाइज आपको शो होंगे, उसके बावजूद भी हम इनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखा देंगे। ओके, रेडियो एक्टिविटी ये 3 वीडियो में कवर्ड है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है। विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 वीडियो में कवर्ड है हमारा ये टॉपिक। इसी प्रकार से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये 4 वीडियो में कवर्ड है टॉपिक, ये टॉपिक हमने अभी तक कवर टच नहीं किया, नहीं ये टच किया, डी और एफ ब्लॉक भी टच नहीं किया अभी तक, और ये सामान्य कार्बनिक रसायन यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी ओ सी इसकी 22 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक इस यहाँ पर कवर्ड है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कुछ हाइड्रोकार्बन्स है जिसके हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स में जैसे हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे एल्केन एल्कीन एल्काइन्स ये डिस्कस करने, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम डिस्कस करेंगे, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑक्सीजन है ये भी अभी तक कवर नहीं करें, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसकी हम बात करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सिलेबस है और ये फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का, इस फॉर्मेट के अनुसार हमें क्वेश्चन पेपर को तैयार करना और इसके अनुसार ये सिलेबस हमें स्टडी करना। अब इन सभी सिलेबस की हम वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जैसे ये अपलोडेड है दिस एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको आप वन बाय वन देख सकते हो चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल रहेगा, आप इनको कवर करना। यदि इनमें कोई बात समय में नहीं आई आपको तो आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सिस्टमेटिक वे में वन बाय वन ये एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, देन इसी सीरीज में हम ये पूरे टॉपिक कवर करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी, यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छी लगी आपके लिए लाभदायक रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। ओके, थैंक यू।